इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका फ्यूचर क्या है। अभी तो नवंबर का महीना ही चल रहा है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ फेब्रुआरी मंथ की है। जो न्यूज़पेपर वालों ने भी दिया है कि इस साल का जो समर है, इस साल का जो समर है वो अत्यंत डेंजर है, बहुत सारा डेंजर आने वाला है हमारे सामने। क्योंकि एक तो वाटर की यानी पानी की समस्या भी बहुत प्रॉब्लम वाली होने वाली है, साथ में जो हीट है वो भी इतनी बढ़ने वाली है कि हर शहर का, कोल्हापुर का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोल्हापुर का जो टेम्परेचर हो पिछले साल के अगर हम उसकी तुलना करेंगे तो वो कम से कम 3 या 5 सेल्सियस बढ़ने वाला है। इसका मतलब जो मई में होने वाली हीट है वो अभी फेब्रुआरी में ही शुरू होने वाली है। जल स्तर नीचे चला जा रहा है, लोगों के पास पानी की बहुत सारी समस्या हो रही है। अगर अभी हमने इसका नियोजन नहीं किया, जिस तरह से कोल्हापुर महापालिका करती है कि एक दिन के बाद पानी देना, इस तरह से सभी जो इंतजाम होने चाहिए अगर नहीं होंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के द्वारा एक खतरे की घंटी देना चाहता हूँ और आप सभी लोग सावधान रहिए। अपने अपने जो घर है, जहाँ से हम पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमारे जो फोर व्हीलर होती है उसको हम बाल्टी से नहाते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं बाल्टी से नहाते फोर व्हीलर को। हमारा जो आंगन होता है उसमें हम बाल्टी से पानी उस पर डालते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हम अगर हमारा हमारे घर का अगर आंगन हम अच्छा रखेंगे तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इतना सारा पानी वेस्ट हो रहा है, इस वेस्ट पानी को हम अभी से बचाएं तो बहुत सारे प्रॉब्लम फ्यूचर में जो आने वाले हैं वो हम सेव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पौधों को भी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, आपके रेगुलर प्लांट्स हो, उनको पानी डालना चाहते हैं तो एक प्रयोग कीजिए। जो हमारे मिनरल वाटर की बॉटल होती है उसमें से एक सलाइन वाली पाइप डाल दीजिए उसमें और उस पौधे के पास रखिए। जिस तरह से थोड़ा सा क्या करना है उसका, जो उसमें जो मिट्टी डालते हैं हम, मिट्टी, उस मिट्टी में 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर उसमें छोटा सा गड्ढा बना के उसमें वो पाइप डालनी है, ठीक है ना, उसके रूट के पास। जिस तरह से हमें जब क्या होता है कि हमें जब प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, पानी देते हैं, अगर नहीं लगते हैं तो नहीं देते। उसी तरह से जब उस पौधे को जरूरत होगी तभी वो वहां से पानी लेगा। एक प्रयोग आप कर लीजिए, बहुत सारा सक्सेस आपको मिल सकता है, बहुत सारे पानी की सेविंग हो सकती है, वाटर सेविंग, वाटर कंज्यूमिंग नहीं, वाटर सेविंग हो सकती है। इसीलिए एक मेरा प्रयोग आप ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से करके देखिए, आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे, ये मेरी गारंटी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।